नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा यूपीपीसीएल एआरओ का रिव्यू कि 13 सितंबर 2018 को जो दो आपके एग्जाम हुए फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में, उसमें क्या रहा, जो आपके प्रश्न पूछे गए थे उसका लेवल क्या था और क्या क्या चीज़ लगभग पूछी गई। तो दोस्तों, मेरा कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने मुझको बताया कि परीक्षा का जो पैटर्न था यानी क्वेश्चन का वो कैसा था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला देखिए, सबसे पहले अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो अगर आप स्टेनोग्राफर में देखे होंगे तो उसमें जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे आपके रस, छंद और अलंकार से आए हुए थे, लेकिन एआरओ में इन्होंने इसका इसमें चेंज कर दिया। इसमें क्या था, मिक्स क्वेश्चन आए हुए थे, रस छंद अलंकार से भी आए थे, ऐसा नहीं नहीं आए थे, लेकिन और भी जो टॉपिक हैं उससे भी आए थे, आपके वर्णमाला से भी आए थे, हर जगह से आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि आपकी वर्णमाला में से भी 2-3 क्वेश्चन जो है आपको उसमें देखने को मिले हैं। तो आप वो सब वीडियो भी जरूर देखिएगा अगर अभी आपके पास समय हो और आप एआरओ का पेपर देने जा रहे हो। अगर हम बात करें जीके की, तो दोस्तों देखिए, हिंदी में क्या था, हिंदी में बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, हिंदी आसानी से लोग कर ले जा रहे थे अगर उन्होंने पढ़ाई की है। अब फिर आप बात करते हैं जीके की, तो जीके के जो पोर्शन थे उसमें जो है आपका मिला जुला सेक्शन था, यानी इसमें जो है आपका टफ भी नहीं था और इजी भी नहीं था बहुत ज़्यादा, तो दोनों मिला के मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल की आपकी जीके पूछी गई थी। तो इस जो जीके में जो है बता रहे थे कि करंट से भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो पाँच पाँच जो क्वेश्चन थे वो आपके लगभग करंट से आए हुए थे और बाकी जो है आपके हिस्ट्री से भी आया था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आया था, तो ये सारे मिक्स करके आए हुए थे। तो ये भी पोर्शन आपका कह सकते हैं तो मॉडरेट ही था। इन हिंदी को आप मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं, उसको आप इजी लेवल ही कह सकते हैं अगर देखा जाए आपका यूपीपीसीएल में जो आपने जो है स्टेनोग्राफर में देखा उसके अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका है, क्या है, रीजनिंग। तो दोस्तों, जो रीजनिंग का सेक्शन था ये भी जो है आपका टफ नहीं था, 40 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के थे सब मिक्स आए थे, ऐसा नहीं था कि कोई किसी पर्टिकुलर जो है लेसन से आपको कुछ उठा करके दे दिया हो, ऐसा कुछ नहीं था, आया था मिक्स आया था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप बैंक या उससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था, लेकिन अगर आप जो है केवल यूपी की परीक्षाओं पे ध्यान देते हैं या एसएससी में देते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं टाइम टेकिंग हो सकता है, बाकी वो टफ नहीं था। तो ये आपका रीजनिंग के लिए था। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में दोस्तों ये क्या था, इंग्लिश में आपका मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं इंग्लिश, क्योंकि जो है लगभग लगभग अगर आप यूपी के बच्चों की बात करें जो यूपी पीसीएल या यूपी से रिलेटेड परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन इंग्लिश भी जैसे लोगों ने बताया कि एक अनसीन पैसेज आया हुआ था, उसके अलावा जो है आपके थोड़ा सा एंटोनिम्स एनोनिम्स आए हुए थे और आपके वॉइस से भी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी थे, मतलब सब मिक्स करके आपको दिया हुआ था, ये नहीं था कि किसी पर्टिकुलर उसे उठाया हो। तो देखिए दोस्तों, ये जो चार था तो ये तो आपका कह सकते हैं कि ना बहुत ज़्यादा टफ था और ना बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन अगर आप कंप्यूटर सेक्शन की बात करें दोस्तों तो आप सबसे मेन मुद्दा आता है कंप्यूटर सेक्शन में, क्योंकि इसमें आपको जो है 20 नंबर तो लाने ही हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एकदम बहुत ही साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आ रहे थे वो हार्ड थे, ईजी नहीं कह, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे दोस्तों, उसको हम लोग कहेंगे हार्ड। और हार्ड क्यों कहेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो कंप्यूटर सेक्शन से पेपर आ रहा है, लोगों ने सोचा कि ओ लेवल से आएगा या किसी बुक से आएगा, तो जो लोगों ने बताया कि केबल के बारे में पूछ रखा है और ईपी रोम की बिट बाइट के बारे में पूछ रखा है, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी ये मान के चलिए कि कंप्यूटर में आपको अगर बहुत ही अच्छी नॉलेज है तो आप कंप्यूटर के सेक्शन को जो है निकाल पाएंगे। निकाल इन द सेंस ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो है ये है कि क्या आपसे पूछ लिया है, अगर आपको वो ही नहीं पता होगा तो आप उसको निकालेंगे कैसे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसमें भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी टफ लेवल के हैं, मेरे वीडियो में से भी बताए हुए क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी घुमा के पूछा हुआ है, सीधे डायरेक्ट कहीं भी नहीं पूछा, सब कुछ जो क्वेश्चंस थे वो घुमा करके पूछे हैं। और आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, जो भी आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं आप इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा, नहीं हिंदी तो ऐसी लिख करके आ रही है कि आप हिंदी को समझ नहीं पाएंगे। तो आप जो इंग्लिश का पोर्शन है जो कंप्यूटर का, यानी इंग्लिश लैंग्वेज, उसको आप जरूर चूज करिएगा और हिंदी मतलब अपना डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी करके उसके बाद इंग्लिश में आप देखिएगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें थी, मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर पे अब अगर आप ये कह लें कि हम ये सी पढ़ के चले जाएंगे या डीबीएमएस पढ़ के चले जाएंगे या वर्ड एक्सेल कहीं भी पढ़ के जाएंगे, तो वहां से भी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो इजी नहीं है, वो घुमा के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे तो आ ही नहीं रहे हैं, और ऐसे ही लेयर से भी उसने बताया क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन डायरेक्ट नहीं आया हुआ था, घूम करके आया हुआ था, लाइन से आया हुआ था क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं आया था, घूम करके आया था, आपका जो है रोज एंड कॉलम से क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट नहीं आया था, घूम करके आया था। तो जब सभी चीजें घूम करके आ रही हैं तो आप या तो फिर आपने बहुत डीप स्टडी की हो कंप्यूटर में तब आपके लिए अच्छा है। तो इसके लिए मैं आपको क्या कहूँ कि आपका जो है
ऑल द बेस्ट नहीं हो सकता है, बेस्ट ऑफ लक हो सकता है, यानी आपका लक अच्छा हो तो आपके उस सेक्शन में अच्छे जो है क्वेश्चन आ जाए। और बाकी मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा टाइम आपका रह लूँगा। तो बाकी चीज़ें हैं, अगर आपने भी हिंदी में ये सोच रखा है कि रक्षा अलंकार से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, और भी आप पढ़ लीजिए, अभी थोड़ा सा समय है आपके पास, देख लीजिए सभी चीज़ें, संधि वंधि जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आए हुए थे, उसको देख के जाइएगा। और कंप्यूटर की तो दोस्तों मैं कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन अभी मैं एक कंप्यूटर की एक क्विज तो अभी आपको मैं दूंगा ही, जो कि आपके 9 बजे तक आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा जानकारी से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इसे लाइक भी जरूर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।